नमस्कार, मैं रुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं दिव्या शेखावत आपके साथ। जयपुर कमिश्नरेट की ओर से लॉकडाउन में अनावश्यक व बिना कारण आवाजाही करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले वाहनों की आवाजाही को लेकर 18,512 वाहनों को जब्त किया, जिसके एवज में 1,68,10,150 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। जयपुर कमिश्नरेट के उत्तर जिले में 2,022 वाहन जब्त किए गए, जुर्माना 2,77,150 रुपये वसूला गया। दक्षिण जिले में 3,123 वाहन जब्त कर 68,800 रुपये जुर्माना वसूला गया। पूर्व जिले में 4,360 वाहनों को जब्त किया गया, जुर्माने के तहत 1,74,05,450 रुपये वसूले गए। पश्चिम जिले में 6,783 वाहनों को जब्त कर 1,48,01,450 रुपये जुर्माना वसूला गया। जयपुर कमिश्नरेट में यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2,224 वाहनों को जब्त किया गया, जुर्माने के तहत 1,26,35,300 रुपये वसूले गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन।